रेलवे बोर्ड ने कोविड के कंट्रोल में आने के बाद से ट्रेनों के संचालन और सेवाओं में इजाफा शुरू कर दिया है। ट्रेनों में बढ़ते पैसेंजर लोड को देखते हुए बोर्ड नई ट्रेन चलाने का भी निर्णय किया है। इसके चलते कल यानी 25 मार्च से बाड़मेर दिल्ली के बीच एक नई ट्रेन शुरू की गई है। ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी, जोधपुर, डेगाना, जयपुर, दौसा, अलवर, रेवाड़ी होते हुए जाएगी। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी संख्या 20488 दिल्ली से 25 मार्च से हर मंगलवार और शुक्रवार को दोपहर 2:40 पर बाड़मेर के लिए चलेगी। ये ट्रेन जयपुर रात 8:50 पर जयपुर जंक्शन पहुंचेगी और यहां से बाड़मेर के लिए रात 9 बजे चलेगी, जो अगले दिन सुबह 6:40 पर बाड़मेर पहुंचेगी। इसी तरह 28 मार्च से गाड़ी संख्या 20487 बाड़मेर से दिल्ली के लिए हर सोमवार और गुरुवार को रात 9:40 से दिल्ली के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन जयपुर सुबह 6:30 पर पहुंचेगी और यहां से 6:40 पर दिल्ली के लिए रवाना होगी और सुबह 11:43 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। ये ट्रेन उत्तरलाई, बालोतरा, समदड़ी, लूड़ी, जोधपुर, मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर, दौसा, अलवर, रेवाड़ी और गुड़गांव स्टेशन पर भी रुकेगी। वर्तमान में जयपुर से बाड़मेर के लिए केवल 2 ट्रेन ही चलती हैं, जो सप्ताह में कुल 4 दिन संचालित होती हैं।